तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साकिब मेडिसिन। इस चैनल पर हम आपको हर मेडिसिन की जानकारी देंगे। और हाँ दोस्तों, हम जो आपको मेडिसिन की जानकारी देते हैं वो सिर्फ नॉलेज के लिए हैं। कृपया करके बिना अपने डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मॉक्सिकाइन सीवी ड्राई सिरप की। ये दवाई छोटे बच्चों के लिए होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा, इस दवाई का इस्तेमाल बताऊंगा और इसे कौन कौन से ड्रग्स को मिलाकर बनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मॉक्सिकाइन सीवी जो है ये आपको एक बोतल में 30 ml में मिलती है और इसके साथ आपको स्टिल वाटर भी मिल जाएगा। आपको इसे बनाना पड़ेगा। ये दवाई मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी और इसकी MRP 55 रुपये होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसे कौन से ड्रग्स को मिलाकर बनाया गया है। तो दोस्तों, इसे दो ड्रग्स के मिला के बनाया जा गया है जिसमें एमोक्सिलिन पोटेशियम एंड क्लावोनेट को मिलाकर बनाया गया है। ये दोनों ड्रग्स एक एंटीबायोटिक ड्रग हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके फ़ायदे के बारे में और इसके इस्तेमाल कर क्या है। तो दोस्तों, ये ड्राई सिरप छोटे बच्चों के लिए है। अगर बच्चों को फीवर हो या गले में इन्फेक्शन हो या कोल्ड हो या टॉन्सिल हो या सूजन हो, कहीं फोड़ा फुंसी निकल जाती है बच्चों के या चोट लग गई हो, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डोज की। तो दोस्तों, छोटे बच्चे को 5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद हम इन्हें दे सकते हैं। और दोस्तों, इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अच्छा दोस्तों, इस दवाई के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट है, वो साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि लूज मोशन हो जाना दवाई लेने के बाद, उल्टी हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, चेहरे पर पित्ती आ जाना, ये सूजन हो जाना, ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।